सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। और बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रही है किसकी, जीप रैंगलर की 3.6 अनलिमिटेड 4x4। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी सारी डिटेल्स इन एंड आउट में आपको बताऊंगा, इसकी कंडीशन कैसी, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप किस तरीके से खरीद सकते हैं और कौन से प्राइस में आपको ये मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बिना टाइम को वेस्ट करें करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ये है रूबिकॉन 3.6 और ये ना अनलिमिटेड वर्जन है। मैं आपको बताता हूँ अनलिमिटेड कैसे, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मतलब इनबिल्ट नहीं होती इसकी, वो इन्होंने लगवाई है बाहर, एसेसरीज वगैरह वो मैं आपको दिखाऊंगा बाहर। और सबसे पहले आप इसका एक ये देखो इंटीरियर, सॉरी यहाँ से पहले आप इसका इंटीरियर देखो यार, क्या इंटीरियर है, क्योंकि इसका जो स्टेयरिंग वगैरह है वो टोटली डिफरेंट है अगर आप थार से देखो। ऑब्वियसली थार का प्राइस भी बहुत कम है, आप लोग यही कहोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, बट क्योंकि 4x4 वो भी है और ये भी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी रखती है पूरी, बाकी ज़्यादा मतलब बाकियों से ज़्यादा, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बाकी जो फीचर्स वगैरह हैं वो आप देखो इसमें फीचर्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, वो इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम, और ये चल चुकी है 35,000 किलोमीटर्स अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो। बाकी इसके अंदर जो स्पीकर्स आपको मिलेंगे अल्पाइन के स्पीकर्स मिलेंगे इसके ना, ये पूरी फीचर्स की लिस्ट है अगर मैं आपको यहीं से दिखाऊं। सबसे पहले तो आपको पता ही है जीप रैंगलर है, वेरिएंट इसका 3.6 अनलिमिटेड 4x4 है, कलर इसका चीप ब्लू है, बाकी देखो कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसका। मैंने खुद ये आपको ऑनेस्टली बताऊं तो रैंगलर आज पहली बार देखी, इसकी हेडलाइट्स देखो, और अगर आप, मैं आपको जला के दिखाता हूं इसमें आपको जो हेडलाइट्स लैंप्स वगैरह ये सब लगे हुए हैं इसमें, वो काफ़ी ब्लूइश में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको अभी जला के दिखाता हूं। और बाकी इसकी एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूं कि 2019 का रजिस्ट्रेशन ईयर है इसका, और किलोमीटर्स ड्रिवन मैंने आपको बताया 25,000 है, नंबर ऑफ ओनर्स ये वन ही है, और अगर आप इसकी इंश्योरेंस देखेंगे तो अगस्त 2024 तक वो आपको मिलेगी। इसकी की एक बार मैं आपको इसकी हेडलाइट्स दिखाता हूँ यार, यार ये जो ब्लू ब्लू ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो लाइट है बहुत सॉलिड, पता नहीं मेरे कैमरे में कैप्चर ब्लू हो रही है या नहीं हो रही, एक सेकेंड नहीं अब तो वहाँ पर भी नहीं है। बाकी क्या ज़बरदस्त ये लाइट है इसकी, अगर आप देखो हेडलाइट्स वगैरह बहुत सही लग रहे हैं इसके। ये जो एसेसरीज है इसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर ये लगी हुई है इसमें, और अगर आप खरीदते हैं तो झारखंड का नंबर आपको इसमें देखने को मिलता है। ये रही भाई इसकी की, अब एक बार इसको करते हैं स्टार्ट और आप लोगों को मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, रैंगलर की आवाज़ कैसी है। थार की तो आप लोगों ने सबने सुनी हुई है बट अब रैंगलर, अरे मेरे को एक चीज़ ये दिखानी है कि सबसे पहले तो आप ये देख लो इसको खोलते हैं, इसको प्रेस करके ऐसे, और मेरे को पीछे का स्पेस दिखाना है मेन आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें क्योंकि काफ़ी बड़ी भी है, और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मतलब कंफर्टेबली तीन बंदे तो यहाँ पर, बल्कि जो फैमिलीज होती हैं मोस्टली वो तो कई बार ज़्यादा बंदे उठा के भी चलते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे बिल्कुल ही कम्फर्टेबली बैठोगे आप, अगर पैर ज़्यादा भी लंबे हैं आप लोगों के या कुछ भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लेग रूम बहुत अच्छा है यार, आगे भी और हर जगह ही लेग रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा यार। ऑब्वियसली फिर महंगी भी है उस हिसाब से, वो बात भी इसमें माननी पड़ेगी, क्योंकि स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं जो मेन्यू वगैरह, अगर आपको इससे स्टेयरिंग कंट्रोल करना है, कॉल वगैरह कट करना है, कुछ भी करना है, वो तो चलो आप आजकल वैसे हर गाड़ी में ऑलमोस्ट आ ही जाता है, बट अच्छी बात है इसमें आना तो चाहिए वैसे। बाकी इसका जो इन्फोटेनमेंट है और जो भी इसके, आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ इसमें, ये है जैसे आप लॉक्स वगैरह देखते हो गाड़ी को जनरली, वो होते हैं दूसरे तरीके के, इसमें आपको ऐसे मिलेंगे अगर आप देखो तो, ये इस तरीके के लॉक्स हैं इसमें, प्रेस इधर लॉक इधर अनलॉक, और दोनों तरफ है, और ये हर तरफ है, मतलब उधर भी है, इस साइड शायद नहीं है, इस साइड आपको नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही मिलेंगे पीछे अगर आप देखोगे, बट आगे
ये आपको दोनों तरफ सेम साइड सेम तरीके के मिलेंगे ये लॉक्स। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मेरे को आपको दिखाना था, एक्सेप्ट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी तो FM चल रहा है इसमें, बाकी आप अपनी भी मीडिया वगैरह ब्लूटूथ वगैरह आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, और ये वॉल्यूम्स वगैरह के लिए। ये अभी आवाज़ जो आपको आ रही है ये एक्चुअली की इग्निशन की होती है, जैसे अभी इसमें हमने की इंसर्ट करी है, जब तक हम स्टार्ट नहीं करते तो ये आवाज़ अभी आ ही रही है इसमें। और डिस्प्ले की सेटिंग है, पिक्चर व्यू है, बाकी एक चीज़ मेरे को दिखानी थी इसकी डिस्प्ले की सेटिंग में। डे टाइम कलर्स आपको मिलेंगे, नाइट टाइम कलर्स मिलेंगे, और ऑटो कलर मोड आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब स्टार्ट मैंने आपको करके दिखा दी थी, और इन एंड आउट आपको मैं ऑलमोस्ट ये दिखा चुका हूँ कैसी है ये। मतलब यार है तो मतलब ये तो बताना ही बेकार है, ऑब्वियसली अच्छी गाड़ी ही है, क्या 50 लाख 45 लाख की गाड़ी है। तो बट होता है ना कि एक चीज़ें इनसाइड आउट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं कि अंदर से कैसी कंडीशन है, बाहर से कैसी कंडीशन है, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं आपको बताया था, मैं कार स्ट्रीट में आया हूँ वीडियो बनाने नारायणा में। इसका एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप एक बार नंबर पे बात ज़रूर करें। और प्राइस जो होगा वो नेगोशिएबल होगा पूरी तरीके से, बट फ़ोन पर नहीं, एक बार आके आप लोग बात करेंगे तो वो अच्छे तरीके से आपको नेगोशिएबल रहेगा प्राइस। और दूसरी एक चीज़ मैं ये कह रहा था कि यार इनसाइड आउट की जो मैं बात कर रहा था वो मैं ये कह रहा था कि इंटीरियर वगैरह मैं आपको जो दिखा रहा हूँ और जो एक्सटीरियर दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली इतनी महंगी गाड़ी का मतलब बहुत चीज़ें होती हैं एक्सप्लोर करने वाली, बट मैं उन लोगों के लिए बेसिकली ऐसे दिखा रहा हूँ जो खरीदना चाहते हैं बट देखना चाहते हैं कि कंडीशन कैसी है, बाहर से कहीं स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, नॉन एक्सीडेंटल है, कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर्स चल चुकी है। तो बेसिकली ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर करी है। और प्राइस की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, यहाँ पर प्राइस की अगर मैं बात कर रहा था तो प्राइस इसका है 47,50,000 रुपीज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं चाबी लगाता हूँ कोई बात नहीं, बोल बोल चाबी लगाता है। देखो जैसे भी आमतौर पे गाड़ियों के साइड में होता है शीशों का, लेकिन इसमें आपको मिलता है अपना यहाँ पर बीच में मिलता बीच है, बीच में मिलता है, और चारों विंडोज के कंट्रोल्स हैं, के कंट्रोल आपको आगे मिलते हैं। ये वाली गोलियों, ये देखो ये चीज शायद पीछे नहीं है तो चारों इसलिए आगे दिए हैं। हाँ पीछे नहीं है तभी तो दिए हैं, बट अच्छा है ये चीज, काफी बढ़िया है, बीच में आपको इंटरेस्टिंग लगी और कुछ अलग हटके देखने को मिला इसमें। जी जी बढ़िया है, बढ़िया है। ये तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो आ रही है इसकी, रोल्स रॉयस की, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और फिर अगली वीडियो फिर रोल्स रॉयस की देखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।